अभी हम यही देख रहे हैं आपने भी कल एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था जिनकी रैंक एट आई है ऑल इंडिया उन्होंने भी यही कहा कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी कि देखिए अगर आज सरकारी नौकरी पाना उतना आसान नहीं है बड़ी मंजिल है और बड़ी मंजिल छोटे छोटे पड़ावों से ही पार की जा सकती है कि हम कुछ दूरी अभी चल रहे हैं कुछ दूरी फिर चल रहे हैं तो वो और उसमें क्या होता है कि एक साथ प्रेशर भी दिमाग पे नहीं आता और हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि हमें अभी पेपर देना निकलेगा नहीं निकलेगा वो हमारे हमारे लिए एक तरीके से बोनस है जो हमने ग्रेजुएशन में तैयारी की तो आपने प्रॉपर जब ग्रेजुएशन आपका 2020 में हो गया उसके बाद 2017 में हुआ सत्रह में हुआ हाँ। अच्छा अठारह में फिर अच्छा आपने तैयारी तो शुरू की सीजीएल की, जी। की। उससे तो पहले नहीं सीजीएल के बारे में बता आप मतलब सीए की तैयारी कर रहे थे तो गणित थी तो आती है क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड तो होगा हाँ सर अकाउंट होता है अकाउंट्स तो पे भी होती है अकाउंट्स में तो आप डबल्यू के लिए नहीं आई थी क्या वो डबल्यू करना वो तो आपको पता चला कि अरे इसमें तो अकाउंट आता है अकाउंट में तो मैं बहुत अच्छी हूँ ये तो मैं झट से निकाल दूंगी दो 2019 वाला सीजीएल दिया आपने हाँ दिया सर। दो हजार उन्नीस वाला दिया नहीं हुआ उसमें नहीं हुआ सर तीन मार्क से रह गई थी फाइनल में फाइनल में तब तो आपको कैसा दुख लगा मतलब ऐसे लगा मैं कर सकती सर, मैं नहीं एक्चुअल तैयारी मैंने ट्वेंटी में ही की थी क्योंकि लॉकडाउन आ गया था तो यूट्यूब से फुल फ्लैश मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने मेरा